या गाइस, आज जो है भाई हम स्कूल में किए जाने वाले बहुत ही मस्त और फेमस एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने कभी ना कभी किए होंगे या फिर करोगे। और हाँ भाई, इस वीडियो को जो है तुम शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो बनेगा टीचर। और भाई मैं जो है आप लोगों के सामने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करूंगा, उसके बाद आप लोगों को जो है कमेंट में बताना है कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे मस्त था और कौन सा सबसे बेकार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले भाई हम जो है विनेगर और बेकिंग पाउडर की मदद से वोल्केनो बनाएंगे, और भाई हम जो उन्हीं केमिकल का यूज करेंगे जो कि आप लोग स्कूल में भी यूज कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है बेकिंग पाउडर को इस वोल्केनो के अंदर डालेंगे। भाई इसके अंदर जो है ना एक छोटी सी बोतल डाल रखी है, जिसके अंदर ये सभी केमिकल्स आऊंगे। ये हो गया बेकिंग पाउडर, भर भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। एकदम खतरनाक वाली वोल्केनो बननी चाहिए बेकिंग पाउडर और विनेगर से भी। अब भाई नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमने जो है पानी तो ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो। अब भाई इस पानी के अंदर जो है डिशवॉश डालना है, क्योंकि विनेगर और बेकिंग पाउडर की रिएक्शन होगी तो CO2 गैस बनेगी, और भाई CO2 गैस ने जो कैप्चर करने खातर हम बबल भी बनाओगे, उसके लिए जो है पानी के अंदर विम डालना पड़ रहा है। भर भर के डाल देंगे, वो भी काफी है भाई, बहुत ज्यादा ही डाल दिया। अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर लावा बनना चाहिए, इसलिए इसके अंदर रेड कलर डाल रहे हैं थोड़ा सा। अब जो है इसने अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये मिक्स कर दिया। अब भाई जो है डायरेक्ट इसके अंदर डालो, इसने भी मिक्स कर दूं। अबे ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी बे? तो इसके अंदर विनेगर डालना है, वो लगाओ जल्दी, अरे यो बन गई जल्दी कैमरे। अब भाई प्लान भी फिर तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो विम है वो तो एसिडिक निकला। मैं सोच रहा था कि वो बेसिक है, लेकिन उसने पहले स्टार्ट कर दी रिएक्शन। अब जो है भाई पानी की जगह पर हम विनेगर ही डालेंगे, और डायरेक्ट विनेगर तो इसमें भर देंगे गिलास में। अब जो है इस विनेगर के अंदर ही डायरेक्ट जो है इस विम ने डाल देवा। वैसे मस्त बन रही थी, लेकिन वो जो है बहुत कम बबुल बने थे। अब इसके अंदर डाल दिया फिर तो रेड कलर डाल रहा हूँ। अब 1, 2 and 3 गया भाई, गया सारा विनेगर डाल दिया। ये भाई साहब आपकी बार बनी है ना मस्त। गाइस भाई मस्त बनी है यार ये वाली वोल्केनो तो। अभी भी इसके अंदर तो लावा निकलने लग रहा है एकदम। जो अपनी वोल्केनो है भाई वो मस्त लग रही है यार, देख कैसे यहाँ तक तो बबूले निकलने लग रहे हैं। वाह भाई वाह, यो भी मस्त है, स्कूल के लिए जो है मस्त प्रोजेक्ट है भाई। अब भाई देख लो कमेंट में बताना ये वाली कैसी लगी। अब फटाफट तो इसने हटाओ। अब जो है सेकंड नंबर वाली को ट्राई करते हैं। भाई ये वाली जो वोल्केनो है वो थोड़ी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पर रिएक्शन होगी हाइड्रोजन परोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन की। भाई यहाँ पर जो हम पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है हाइड्रोजन परोक्साइड और इसकी रिएक्शन जो है ना वो थोड़ी स्लो होगी। लेकिन भाई पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन परोक्साइड की जो रिएक्शन है ना वो थोड़ी फास्ट होती है, इसलिए हम जो है पोटेशियम आयोडाइड का यूज करेंगे। सबसे पहले भाई हमें जो है हाइड्रोजन परोक्साइड को सेफ्टी ग्लव्स के साथ, क्योंकि भाई ये जो है हमारे हाथ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके अंदर जो है प्लास्टिक की बोतल है, ये सभी उसी के अंदर जा रहा है। अब क्या करना है, अब जो है इसके अंदर ही जो है हमने विम डालनी है। विम डाल देंगे, विम भी गई, और जिस तरह की झाग बनेंगे बहुत खतरनाक वाले। और इसके अंदर डाल रहे हैं फूड कलर, रेड कलर का ही डाल दे। अब भाई रेडी हो जाओ, सब कुछ मिक्स होगा। अब जो है बस इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है, उसके बाद ये जो वोल्केनो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनेगी। सारा सामान हटा दो, 3, 2, 1। ओ भाई यो तो और मस्त बनी है। ओ वो कितना सारा फोम बन गया, ओ बड़ा हो रहा है। ओ भाई ओ ओ गोप्रो भी गया। अबे तेरी की भाई साहब, कितना बड़ा फोम बन गया यार। ओ गाइस इसके अंदर तो जो है बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, और भाई यो सारा हुआ है ऑक्सीजन गैस की वजह से, क्योंकि भाई जब इन दोनों की रिएक्शन हुए ना तो ऑक्सीजन गैस बने है, जिसकी वजह से ये बबल बने हैं, वो फोम बने, बहुत ज़्यादा गर्म है। भाई यो वाली जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और अभी भी निकलने लग रही है। ओ भाई अब पता ना भाई यो जो है तुम स्कूल में कर सको या ना, वैसे तो सेफ है क्योंकि भाई ऑक्सीजन गैस ही बनी है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है थोड़ी खतरनाक हो सके, बाकी जो है मस्ती। तुम बताओ कमेंट में कैसी लगी यो वाली, हटाओ अब इसने भी हटाओ। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल, लेकिन भाई साहब ये वाली जो वोल्केनो बनेगी वो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। और भाई यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही केमिकल का यूज होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो यहाँ पर जो है इसके ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल है, और भाई ये वाली वोल्केनो जो है ना वो सच में बहुत रियलिस्टिक बनेगी। सिंपली भाई इस अमोनियम डाइक्रोमेट को इस वोल्केनो के अंदर डालना है, लेकिन एक चीज का याद रखना भाई, ये जो रिएक्शन होगी उसमें जो है आग लगेगी और तुम्हारी वोल्केनो जल भी सकती है, इसलिए जो है अपनी वोल्केनो को कार्डबोर्ड या फिर ऐसी चीज से मत बनाना। हमने जो है POP का यूज किया है, और अंदर जो है मिट्टी भी डाल दी। अब जो है इसके अंदर सारा का सारा अमोनियम डाइक्रोमेट डाल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आग लगानी है, इसकी जो रिएक्शन है भाई वो थोड़ी कम लाइट में मस्त लगेगी, तो थोड़े जो है ना अंधेरा सो जान दो। इसको जलाने के लिए भाई हमें जो है गैस टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि भाई स्कूल में थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और जल जाए यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे भाई, स्टार्ट ही ना हो रही यार रिएक्शन।
हो जाए। एक बार स्पीड तो स्टार्ट होगी ना, फिर तो एक चैन बनती चली जाओगी और अब स्टार्ट होगी। भाई यहाँ पे जो है बेसिकली अभी तुम्हें जो है लाइट में दिखना रहा होगा, रुक जाओ तो थोड़ी लाइट कम होने दो, उसके बाद देखना कितनी मस्त लगेगी। अब भाई मस्त अंधेरा हो चुका है और भाई यहाँ पे जो है अब इसको गर्म कर रहा हूँ, अब जो है फटाफट तो रिएक्शन स्टार्ट हो ही जाओगी। हो रही है हो रही है हो रही है, यहाँ तक स्टार्ट होगी, इधर तक भी कर दूँ। हो जा स्टार्ट, हो जा हो जा, हो रही है हो रही है, यहाँ तक स्टार्ट हो रही थी, अब होगी रे स्टार्ट होगी, यहाँ तो देख पास तो देख। भाई ये भी जो है बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे जो है अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो भाई उससे निकलती है नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर और ये जो ग्रीन कलर का फ्लेक्स है ना, ये है भाई क्रोमियम ऑक्साइड। अब मस्त हो रही है भाई, अब तो ये जो होगी रिएक्शन बहुत मस्त लग रही है यार मुझे तो, देख कितनी ज़्यादा तेज होगी अब रिएक्शन, और तेज हुई, अब खतरनाक वाला धुआं भी निकल रहा है, ओ जैसे लावा एकदम हवा में उड़ा है ना वैसा भी हो रहा है, ओ यस। अब भाई फाइनली तुमने तीनों वोल्केनो देख ली, अब तुम्हें जो है कमेंट में बताना कौन सी वोल्केनो जो है सबसे मस्त थी। वो भाई अब तो बंद होगी और ये तो देखने में भी वो लग रही है वोल्केनो साइड में, देख कितना ज्यादा रॉक लावा जैसी लग रही है ना, जमे हुए लावे के पत्थर जैसी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और भी मजेदार वीडियो के साथ, जब तक तुम जो है इस वीडियो को लाइक कर देना और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय कर दे बंद।